हमारी एपिसोड की शुरुआत में योर अपना सारा का सारा सामान लेके ट्विलाइट के घर पहुंच जाती कि योर अभी यहीं पे रहेगी, हालांकि उनकी मैरिज का सर्टिफिकेट फेक होता और उस सर्टिफिकेट के मुताबिक उनकी शादी 2 साल पहले हो चुकी है। इसका मतलब ये तीनों हैप्पी फैमिली बनने का नाटक कर रही है। सबके बाद आनिया योर को पूरा का पूरा घर दिखाने लगती, दिखाते ही दिखाते योर को उसके रूम में ले जाती। योर को पूरे घर की तरह अपना रूम भी बहुत पसंद आता, लेकिन ट्विलाइट और योर एक ही रूम नहीं शेयर करेंगे क्योंकि इन्होंने आपस में असल में नहीं की हुई। खैर ट्विलाइट और आनिया ने मिलके इसके रूम को अच्छे से साफ किया था। खैर ऐसा तो आनिया ने सोचा था, आनिया ने सिर्फ और सिर्फ काम को और बढ़ाने के अलावा कुछ ना किया। एक बार ट्विलाइट जैसे आने के मुंह पे करता है तो आनिया के पैरों तले जमीन खिसक जाती। यहाँ पे ट्विलाइट योर को अपने रूम में सामान रखने के लिए थोड़ा वक्त देता, पता ट्विलाइट जैसे थोड़े से ही कदम आगे लेता है उतने में बड़ी तेजी से योर ने अपने सारे के सारे काम कर भी लिए होते। इसी में ट्विलाइट की नजर उसके बाइक की तस्वीर पे जाती, देख के ट्विलाइट कहने लगता मुकम्मल तरीके से एंट्रेंस एग्जाम खत्म होने के बाद तो मुझे उसे जरूर मिलवाना। एंट्रेंस एग्जाम का सुनते ही योर को तरीके से याद आता कि इंटरव्यू के लिए उसके पास कुछ ढंग से पहनने का भी नहीं है, तो इस पे ट्विलाइट कहता है तो फिर तो हमें अभी ही टेलर के पास जाना चाहिए। क्योंकि इधर ही दूसरी ओर आनिया अपने मॉम की मदद करने के चक्कर में वो एक खतरनाक से बॉक्स को हाथ लगाती, उसकी मॉम वक्त पे उसे रोक लेती और अपने दिल ही दिल में सोचने लगती इस बॉक्स पे इतना पावरफुल पॉइजन है कि अगर एलिफेंट भी उसे खा ले तो वो भी मर जाएगा, क्योंकि आनिया अपने के थ्रू उसका दिमाग भी पढ़ सक रही होती, पढ़ते ही काफी डर जाती। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि बीच में एक अच्छा फैमिली टाइम गुजर होता और को ट्विलाइट के बनाए हुए बिस्किट काफी पसंद आते। इसमें भी आनिया कहती है यहाँ पे भी मैंने काफी मेहनत की है। खैर ऐसा तो आनिया ने सोचा था, मैंने सिर्फ और सिर्फ मुश्किल में मजीद इजाफा किया। अब ये जान के भी आनिया के दोबारा से पैरों तले सभी खिसक जाती। एक और बार फिर से हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है ट्विलाइट आनिया और योर सारे के सारे मिलके इंटरव्यू की प्रैक्टिस कर रहे होते। यहाँ पे ट्विलाइट इंटरव्यूअर बनके उसे सवाल पूछ रहा था, आनिया काफी हिचकिचाते हुए तमाम के तमाम जवाब दे रही होती कि उधर ही दूसरी ओर योर भी काफी ज्यादा हिचकिचा रही होती। तो हिचकिचाता देख के ट्विलाइट तो अपने मन ही मन में कह रहा था लगता है हमें हार मान लेनी चाहिए। तभी योर कहती है तुम अपने पिछले वाइफ का ड्रीम मत भूलो। तक सुनने के बाद रिलैक्सेशन के लिए ट्विलाइट और से और आनिया से बाहर जाने के लिए कहता। सब में वो लोग एक शो में जाते हैं कि वो बड़े लोगों जैसा एक्सपीरियंस हासिल कर सके। बड़े स्कूल जाने के लिए बड़े स्टेटस का भी होना बहुत जरूरी है, के लिए उन्हें एक अच्छी फैमिली की तरह बर्ताव करना होगा। इसके बाद वो लोग फर्स्ट क्लास आर्ट के म्यूजियम में जाते हैं। वहीं पे योर शार्प चीजों में काफी इंटरेस्ट ले रही होती, देखते ही देखते वो लोग किसी जगह में चाइल्ड सेक्शन में आ जाते हैं, जहाँ पे आनिया को भी ड्राइंग करने का मौका मिलता। इसमें वो अपने फैमिली को ड्रा करती, उसका फादर एक स्पाई, उसकी मॉम एक असैसन। दिन में उसका फादर उसकी तरफ बढ़ने लगता है ये बताने के लिए कि उनके जाने का वक्त हो चुका है। अपने फादर को यहाँ पे आता देख के आनिया काफी ज्यादा हिचकिचाने लगती, क्योंकि उससे लग रहा होता है कि उसके ड्राइंग के कारण उसे पता चल जाएगा कि आनिया उनका कैसे कैसे करके दिमाग पर सकती है। आने की ड्राइंग काफी बचकाना होती, यही वजह से ट्विलाइट उसे एक नॉर्मल ड्राइंग ही समझता। वो लोग टेलर जाते जहाँ पे वो आने का ड्रेस भी ले लेते, इंटरव्यू के लिए योर के लिए भी कुछ अच्छा खरीद लेते, साथ सारे के सारे फैमिली फोटो भी खींचते और सबसे फारिग होके किसी किस्म के जलसे पे जाते। यहाँ पे आने की तबीयत थोड़ी सी खराब होने लगती क्योंकि वो एक ही वक्त में काफी लोगों की भी ज्यादा सोचों को सुनने लगती। आने की तुरंत से तबीयत खराब होने के कारण वो लोग वहाँ से चले जाते। जाते जाते आने को भूख लग जाती, वजह से वो पास ही रेस्टोरेंट में खाना खाने चले जाते। वहाँ पे भी ट्विलाइट अपने मिशन को लेके काफी परेशान होता, उसे इस मिशन में इसलिए मुश्किल आ रही है क्योंकि इस बार उसे किसी और पे रिलाय करना पड़ रहा है, फिर से ये सारे के सारे काम खुद करने पड़ते। नो डाउट वो काफी इजिली ये सारे के सारे काम कर लेता। वो सोच रहा होता कि उसे वो सारे के सारे क्वेश्चंस गैस करने पड़ेंगे जो भी कोई बंदा इंटरव्यू के लिए पूछ सकता है। इसके चलते ही दोनों के दोनों को याद करवाना पड़ेगा। एक बार पहले की तरह दोबारा से सीन शिफ्ट होता और दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है जो कुछ भी हो जाए उन तीनों का एक अच्छा टाइम गुजर होता। इसी मौजूद फुटपाथ पे एक लुटेरा बुढ़ी औरत से उसके पैसे चुरा के भागने लगता और उस चोर का पीछा करने लगती। फिर बदकिस्मती से योर उसे काफी दूर थी, वजह से वो कैसे न कैसे करके योर की नजरों से तो निकल जाता है। ट्विलाइट एक पब्लिकली फुटपाथ पे आ जाता है, यहाँ पे वो चोर काफी लोगों में छुप के बैठा होता है। ट्विलाइट उसे ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा होता कि उसे योर के लिए काफी बुरा लग रहा होता कि वो उस बूढ़ी के लिए कोई मदद न कर पाई, वजह से आने भी वहाँ पे मौजूद तमाम के तमाम लोगों के दिमाग पड़ने लगती। इसे दोबारा से उसकी तबीयत खराब होने लगती, कैसे न कैसे करके वो एक सही बंदे को ढूंढ ही लेती। सोच रहा होता कि उस बूढ़ी के पास तो काफी पैसा है, आने भी अपने फादर का ध्यान उसकी तरफ करवाने के लिए में पास में ही
एक कपकेक होटल की तरफ इशारा करती। इसी तरह ट्विलाइट का ध्यान उस पे पड़ जाता। उसने जरूर कपड़े तो बदले होते लेकिन उसके चलने का स्टाइल ना बदला होता। ट्विलाइट का ध्यान जैसे उस पे पड़ता है तो ट्विलाइट ऊंचाई से छलांग मारते हुए सीधा इस चोर के ऊपर आ गिरता और चोर को भी गिरा देता। इसके चलते ही वो पैसा लेके सीधा उसी बूढ़ी के पास पहुंच जाते। बूढ़ी उनका काफी शुक्रिया अदा करती, सिर्फ इतना बल्कि ट्विलाइट भी योर का शुक्रिया करता। हमारे काम की रफ्तार अच्छी चल रही है तो मैं भी पहले से भी ज्यादा काफी ज्यादा वर्क हार्ड करूंगा। यहाँ पे दोनों के दोनों ब्लश करने लगते। मियानिया कहती है, क्या तुम दोनों फ्लर्ट कर रहे हो? इस पे वो दोनों उस पे भड़क जाते। सब कुछ देख के वो बुढ़िया भी कहती है, तुम लोग काफी अच्छी फैमिली हो। अब बस रात होने कोई जा रही होती, वो लोग वापस घर पहुंच जाते। घर पहुंचते ही ट्विलाइट दोनों का दोबारा से इंटरव्यू लेने लगता। ट्विलाइट आने से सवाल करते हुए कहता है, तुम अपना दिन आखिर कैसे गुजारती हो? तो आने जवाब में कहती है, म्यूजियम, रेस्टोरेंट और बाहर घूमने में। सुन के ट्विलाइट काफी खुश होता। उससे कहता, हाँ अगर तुमसे कोई भी क्वेश्चन किया भी जाए तो बस तुमने आज जो भी फील किया उसके बारे में ही कहना है। ये कहते हुए वो से नया सवाल करता है, अगर तुम्हारा दोस्त तुमसे मस्ती कर रहा हो तो इस पे तुम कैसे रिएक्ट करोगी? तो हानिया इसके जवाब में कहती है, आसमान से छलांग लगाते हुए, उसके ऊपर कूदते हुए, उसकी हड्डी पसली तोड़ते हुए। हाँ बस इतना ही। ये सुनते ही ट्विलाइट काफी डिसअपॉइंट होता। खैर अब योर और आनिया दोनों उसके पुराने हिस्से की काफी तारीफ करी होती कि डैड ने वाकई में काफी बहादुरी से उस चोर को पकड़ा। खैर उन दोनों को देख के उसे उसी बुढ़िया की बात याद आती। उसने कहा होता, व्हाट अ लवली फैमिली यू आर। इसी बारे में सोचते हुए वो कहता है, चलो एटलीस्ट 1% कामयाबी तो हमें मिल ही है। तो यार इसी के साथ हमारी एपिसोड खत्म होती है।